नेक्स्ट हमारा सिक्स आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्वर है, सर्वर के पास ही मेमोरी है, ठीक है। ये सारे सीपीयू हैं, मतलब कि सीपीयू क्या कह लीजिए, पूरा एक सिस्टम है। इनकी अपनी खुद की भी मेमोरी है, ठीक है, ये सब कुछ इनका है। लेकिन जो मेन सर्वर है, जो डेटा मेन स्टोर होता है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, सर्वर पे। तो देखा जाए मल्टी प्रोसेसर में तो सिर्फ प्रोसेसर से, यहाँ पे तो पूरा पूरा सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या है, अटैच्ड है इससे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जल्दी से जल्दी और काम होगा, क्योंकि अपनी खुद की मेमोरी भी ले रहे हैं। हाँ, जो मेन डेटा है वो कहाँ से लिया जाएगा, सर्वर से लिया जाएगा और बाद में वो सर्वर को ही दिया जाएगा। लेकिन ये सारे प्रोसेसर, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की मेमोरी भी है और इनके पास अपने जो रिसोर्सेज है वो सब हैं, तो इस कारण ये और तेजी से काम होगा। ये एक तरीके से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्किंग, ओके। जो आपका लैन है वो इसके अंदर आता है, वैन है, ये जितने भी नेटवर्किंग सिस्टम होते हैं ये इसके अंदर आते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, वो एक दूसरे का डेटा निकाल भी सकते हैं। अभी हम आगे उसे पढ़ने भी जाएंगे कि नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। यहाँ पे जो जितने भी कंप्यूटर वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क कंप्यूटिंग के अंदर, ओके। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंक्लूड स्पेशल फंक्शन फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इनटू अ लैन, जिसे कहते हैं हम लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क। इसमें क्या होता है, आपके NOS जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS में क्या होता है, इसमें स्पेशल फंक्शनिंग होती है, जिसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर और उनके डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है थ्रू किसके, लैन के थ्रू। सम पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ ये आपके मेन आपके जो शेयर कर सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो है नोवल नेटवर्क, विंडोज NT 2000, लाइनक्स, सन सोलारिस, यूनिक्स एंड IBM OS 2। A typical configuration for a network operating system is a collection of personal computer along with a common printer, server and file server for archival storage all tied together via a local network. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि इसमें जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये सब क्या शेयर करते हैं, कॉमन प्रिंटर, सर्वर, फाइल सर्वर, जहाँ पे फाइल स्टोर होती है और जहाँ से आप डेटा निकाल सकते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं, ऑल टाइड टुगेदर, ये सब एक दूसरे से क्या होती है, टुगेदर अटैच्ड होती है। सम ऑफ द फीचर्स, ये कुछ फीचर्स हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला है प्रोवाइड बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर सच एज सपोर्ट फॉर प्रोसेसर प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक हार्डवेयर डिटेक्शन एंड सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये इसके बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स है। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, आपके सपोर्ट फॉर प्रोसेसर, कुछ प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक हार्डवेयर डिटेक्शन की, अगर सपोज एक पीसी ये है, दूसरा पीसी ये है, ये दूसरे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसने जैसे ही स्कैनर लगाया, सपोज इसके पास है स्कैनर, इसके पास है प्रिंटर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है सर्वर के थ्रू, ठीक है। तो अगर सपोज स्कैनर तो आप छोड़िए, सपोज इसको जरूरत पड़ रही है, इसके पास है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, और इसके पास जो प्रिंटर है वो लेजर है, इसीलिए सपोज इस वाले पीसी को, पीसी टू है, ये पीसी वन है, पीसी टू को लेजर प्रिंटर की जरूरत है, तो वो इसके प्रिंटर से, पीसी वन के जो प्रिंटर है यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके पास ये प्रिंटर है, मैं चलो इसके लेजर प्रिंटर से काम करा देता हूँ। ऐसी पीसी टू का सपोज लेजर प्रिंटर खराब हो गया तो वो क्या कर सकता है, पीसी टू के प्रिंटर से अपना टास्क परफॉर्म करा सकता है, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज ऑथेंटिकेशन, लॉग ऑन, रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, कि आप ऐसे नहीं है कि जैसे सपोज मैंने अभी आपको बताया ये पीसी वन है और ये पीसी टू है, माना ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है वाया सर्वर के थ्रू, लेकिन ये अगर सपोज इसे कोई फाइल भेजना चाहता है, ठीक
ठीक है, या पीसी टू इसे कोई फाइल भेजना चाहता है, या इसका प्रिंटर या कोई आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करना चाहता है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है. इनको एक लॉग इन ऑथेंटिकेशन के लिए इनको एक लॉग इन पासवर्ड वगैरह दे दिया जाता है. जब वो पीसी वन इसमें आने से पहले वो डालेगा करेक्ट वन, तभी वो यहाँ पर आके अपना डेटा यहाँ से निकाल सकता है या इसे दे सकता है, ऐसे पीसी टू कर सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है. प्रोवाइड फाइल प्रिंट, वेब सर्विसेज एंड बैकअप सर्विसेज. ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? फाइल्स, एक दूसरे को हम फाइलें दे सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं एक दूसरे का डेटा, वेब सर्विसेज यूज कर सकते हैं एक दूसरे के, एंड बैकअप सर्विसेज. सपोज ये अपने पास एक फाइल रखा हुआ है बैकअप के लिए, पीसी टू को देना चाहता है तो वो इसके पास भी ट्रांसफर कर सकता है. ठीक है, सपोर्ट इंटरनेट वर्किंग सच एज राउटिंग एंड वैन पोर्ट्स. ये यहाँ पे क्या होती है, सपोर्ट करता है इंटरनेट वर्किंग को वाया किसके थ्रू, राउटिंग के थ्रू और वैन पोर्ट्स के थ्रू. यूजर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट्स फॉर लॉग ऑन एंड लॉक ऑफ, रिमोट एक्सेस, सिस्टम मैनेजमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे ये मैनेज क्या क्या करता है, कैसे एक पीसी दूसरे पीसी में लॉग ऑन करें, वहाँ से लॉग ऑफ करें, कैसे रिमोटली वो उसे कंट्रोल कर सकता है, सिस्टम मैनेजमेंट, ये सब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क है. यहाँ पे दो तरीके के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पीयर टू पीयर और होता है क्लाइंट सर्वर. पीयर टू पीयर क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में करते हैं डिस्कशन. पीयर टू पीयर में होता है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू शेयर रिसोर्सेज एंड फाइल लोकेटेड ऑन देयर कंप्यूटर एंड टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज फाउंड ऑन अदर कंप्यूटर. यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये पीसी वन है, ये पीसी टू है, ये दूसरा एक दूसरे से क्या कर सकता है, टू शेयर रिसोर्सेज, एक दूसरे के रिसोर्स शेयर कर सकते हैं. फाइल्स लोकेटेड ऑन देयर कंप्यूटर्स, एक दूसरे में जो फाइल उनके हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एंड टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज फाउंड ऑन अदर कंप्यूटर. मैंने जैसे अभी आपको बताया, अगर एक रिसोर्सेज पीसी वन के पास है, दूसरा रिसोर्स पीसी टू के पास है, तो एक दूसरे का रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं. इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑल कंप्यूटर आर कंसिडर्ड इक्वल, दे ऑल हैव द सेम प्रिविलेजेस टू यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क. यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे का बहुत ईजली सबको एक जैसा ही प्रिविलेज मिला होता है कि ये भी इसका ओनर है, पीसी टू का, पीसी वन पीसी टू का ओनर है, और आपका जो पीसी टू है वो पीसी वन का ओनर है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो उसकी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इन सबको एक ही प्रिविलेज मिला हुआ है. कोई ऐसा नहीं, कोई किसी की कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसके अंदर पीयर टू पीयर में. और दूसरी चीज़ क्या है, डिज़ाइन प्राइमरली फॉर स्मॉल टू मीडियम लोकल एरिया नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल विंडो फॉर वर्क ग्रुप्स. छोटे छोटे जैसे एक आपका ऑफिस ही है, वहाँ पे चार कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और सबको एक दूसरे का कभी कभी डेटा चाहिए या कुछ काम करवाना है, तो ऐसे जगहों पे पीयर टू पीयर नेटवर्किंग को यूज़ किया जाता है. ओके, यहाँ पे सबको एक जैसा प्रिविलेज मिला होता है. क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अलाउ द नेटवर्क टू सेंट्रलाइज फंक्शन एंड एप्लीकेशन इन वन और मोर डेडिकेटेड सर्वर. द फाइल सर्वर बिकम द हार्ट ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी. इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टम्स है वो एक दूसरे से सर्वर के थ्रू कनेक्टेड है. किसके थ्रू कनेक्टेड है, सर्वर के थ्रू है. तो यहाँ पे बेसिकली जो भी डेटा वगैरह है वो कहाँ पर होता है, मेन जो डेटा है वो सर्वर के पास होता है, वो यहाँ से लेगा. अगर उसे कुछ पीसी टू से कुछ डेटा लेना है या पीसी टू से कुछ काम करना है, तो वो किससे कनेक्ट होगा, पहले सर्वर से. वो सर्वर को कहेगा कि मुझे उसका चाहिए, सर्वर फिर उसके पास जाएगा पीसी टू के पास, उसका डेटा निकाल के पीसी वन को देगा. इस तरीके से मेन जो काम है इसका, जो हार्ट है, वो कौन है, सेंट्रल आपका सर्वर है. ओके, तो फाइल सर्वर जो है वो बिकम द हार्ट ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी. डायरेक्टली पीसी वन पीसी टू के पास नहीं जा पाएगा, उसको सर्वर की जरूरत पड़ेगी. द वर्क स्टेशन क्लाइंट हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द फाइल सर्वर. यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, सर्वर के पास. अगर सर्वर मना कर देता है कि आप पीसी टू के वन जो है वो पीसी टू का रिसोर्स यूज नहीं कर सकता, तो वो कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सर्वर के थ्रू होते हैं. ठीक है, यही इनको प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी चीज एक्सेस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता. द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर, यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली शेयर कर सकते हैं सेम रिसोर्सेज
सेम रिसोर्सेज को वो एक साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. नोवल नेटवर्क एंड विंडोज 2000 सर्वर आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये इसके एग्जाम्पल है. लास्ट वन पे आ जाते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम होता है. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नोड वन है, इसके पास अपनी खुद की मेमोरी है, प्रोसेसर है. ये नोड टू है, इसके पास भी अपनी क्या मेमोरी है, प्रोसेसर है. देखा जाए तो ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है. ओके, अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम. अब आप कहेंगे ये तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अभी आप डेफिनेशन पर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा. अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड एंड मैनेज सो दैट दे ऑटोमेटिकली शेयर द जॉब प्रोसेसिंग लोड अमंग द कंस्टिट्यूटेंट ट्वेंट कंप्यूटर्स और सेपरेट द जॉब लोड. इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ नंबर, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड मैनेज्ड, और इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं सो दैट दे ऑटोमेटिकली शेयर द जॉब. ये आपस में क्या कर सकते हैं, जो टास्क है उसको शेयर कर सकते हैं. ठीक है, जिससे कि जो प्रोसेसिंग का लोड है वो क्या हो सकता है, शेयर हो जाएगा अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट कंप्यूटर्स और सेपरेट द जॉब लोड. अगर कोई काम मिला है तो ये सारे के सारे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये इसको आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जिससे कि क्या होता है, जॉब